ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਬੇਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਬੇਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੂ ਪੈਲਸ ਛੇਟਾ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। शरीर में आए अपने परिवार को नाम जाप की ओर लगाया, सेवा परहित परोपकार यह ध्येय रहा, उसी का अनुकरण कर रहा है परिवार। पौत्र बाबा श्री समर बेदी जी अपने दादा बाबा सोहन लाल जी बेदी अनन्य सेवक और दादा की कृपा अपने पौत्र पर पुत्र पर तो है ही। अनुकरण किया उस नक्शे कदम पर चले जिस कदम पर दादा चले। बाबा सोहन लाल जी बेदी अनन्य भक्त गुरु महाराज के सेवा गायन रूप से उस प्रभु को रिझाना, गुरुदेव को रिझाना, वही गुण पौत्र बाबा समर बेदी जी में आज अपनी दादी माँ को अपने श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए वही भजन जो दादा गाया करते वह अपनी मधुर वाणी द्वारा, मधुर कंठ द्वारा बाबा समर बेदी जी इसके पश्चात
2-4 मिनट अपनी दादी के लिए बाबा समर बेदी जी बोलेंगे। अरे माटी में माटी फिर से मिले सभी छोड़कर जाते हैं, लेकिन ये ऐसी दौलत वो हमें देकर गए हैं, कोई माँ बाप ऐसे बच्चों को ऐसी दौलत नहीं देता जो हमें मिली है। तो उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। माँ माँ जब कहते हैं तो हृदय के अंदर कुछ होता है और मन को शांति मिलती है। मां ये शब्द ही ऐसा है। मां सारा दुनिया का ऋण उतार सकते हो, मां का ऋण आप कभी नहीं उतार सकते। अरे जिसने 9 महीने अपने पेट में रखकर अपनी श्वासों में से तुझे श्वास दिए, अपने रक्त में से तेरे को रक्त दिया, आज तू उसकी बदौलत इस रंग बन की दुनिया को देख रहा है और गुरु महाराज के कीर्तन का आनंद प्राप्त कर रहा है। माँ का कर्ज कोई उतार सकता ही नहीं। माँ को बाप को खुश रखकर उस कर्ज को माफ करवा सकता है, लेकिन उतार नहीं सकता। जब अर्जुन व्याकुल हो उठा कि हे भगवान, ये विधान जन्म और मृत्यु उस परमेश्वर के हाथ में है, तो जीवात्मा का क्या होता है? जब तक आत्मा इस पंच भौतिक शरीर में है तो वह जीवात्मा कहलाता है। आंख नहीं देखती, कान नहीं सुनते, मुख नहीं बोलता, त्वचा ये स्पर्श को नहीं अनुभव करती, ये टूल है। इसके पीछे देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला और स्पर्श को महसूस करने वाला आत्मा है। आत्मा ही देखता है, आत्मा ही सुनता है, आत्मा ही बोलता है और आत्मा ही स्पर्श को अनुभव करता है। अगर तू ऐसा नहीं मानता तो मृत देह, जब तक आत्मा इस शरीर में है, शरीर शिव स्वरूप है, इसका सम्मान है, इसका आदर है, इसके सम्मुख झुकते हैं, इसको प्रणाम करते हैं, इसको सल्यूट मारते हैं। एक आत्मा शरीर से बाहर हो गया, ये शिव स्वरूप शरीर शव कहलाता है। जितने भी यहां पर उपस्थित हुए हैं, उस मां की अंतर यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, उनकी शांति के लिए जो आपने समय निकालकर पाठ किया है, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। पिता समान चाचा जी, आदरणीय श्री नरेंद्र बेदी जी की तरफ से, आदरणीय श्री अश्विनी बेदी जी महाराज की तरफ से,
और सभी परिवार वालों की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जो आप अपना इतने काम काज छोड़कर उस माँ की आत्मिक शांति में सम्मिलित हुए हैं। ये आदरणीय सुनील दत्ती जी, ममता दत्ता जी, ये सतीश बल्लू जी और भी बहुत से यहाँ पर नेतागण मौजूद है जिनका नाम किन्हीं का मालूम है, किसी का नाम नहीं लिया गया, तो क्षमा करना। जितने भी आए हुए ये सज्जन हैं, ये सभी के सभी महान आत्माएं हैं और उनके अंदर परमेश्वर का रूप समझकर मैं सबको बारंबार नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार।